कुछ अलग से बनाना नहीं है। ऑलरेडी आप लोग ना इतना डेवलप हो चुके हो इतने सालों में, हमने बस क्या करना है, पहली चीजें अपने आप को समझना है, हम कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, अपने आप की वो अंडरस्टैंडिंग। और फिर दूसरी बात, इसमें कुछ रफ एजेस है जो कभी कभी अच्छे नहीं लगते, तो बस उनको हमने स्मूदन करना। सिलेबस है और इन्होंने खुद अपनी नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया होता है, जो आपको कागज दिया है ये इन्हीं के द्वारा दिया गया सिलेबस है, मैंने अपने घर में बैठ के नहीं बनाया। तो पहले हम ये भी देखेंगे कि सिलेबस क्या है। इन्होंने खुद डैफ में लिखा है व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। तो इस चीज को समझने के लिए कि ये चाहते क्या है उस पोस्ट वाले इंडिविजुअल से, उसके लिए इन्होंने खुद सिलेबस दिया है, खुद बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरव्यू का। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरव्यू इज टू असेस द personal suitability of the candidate for service for which he or she has applied to the commission। पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है ना, कुछ अलग से बनाना नहीं है। ऑलरेडी आप लोग ना इतना डेवलप हो चुके हो इतने सालों में, हमने बस क्या करना है, पहली चीजें अपने आप को समझना है। लेट्स बी अवेयर अबाउट आवरसेल्व्स, हम कैसे हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, अपने आप की वो अंडरस्टैंडिंग। और फिर दूसरी बात, इसमें कुछ रफ एजेस है जो कभी कभी अच्छे नहीं लगते, तो बस उनको हमने स्मूदन करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे है बस उसको समझना है अपने आप को, और वो बहुत अच्छे से दूसरे को एक्सप्रेस करना है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि दूसरा इजीली हमको समझ पाए, है ना, और जो हमारे में टैलेंट है उसको रियलाइज कर पाए कि नहीं ये बंदा अच्छा है, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, उनको एक्सपीरियंस होगा, रियलाइज होगा कि दिस पर्सन इज गुड, सिलेक्ट कर लेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इंटरव्यू में सबसे पहले क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज जो डैफ में लिखी होती है ना, डैफ में आपका एक क्वेश्चन होता है सेल्फ असेसमेंट, राइट ब्रीफली व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। यहाँ करना हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि बस मैं बता रहा हूँ तुम लोगों ने सुनना है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन करनी है, क्योंकि सब इंटेलिजेंट है, क्योंकि तुम सब ऐसे ग्रेजुएट्स मास्टर्स करके आए हो और सबको कुछ ना कुछ पता है। हमने क्या करना है, इस तरीके से डिबेट करनी, हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें कि सबके अच्छे अच्छे पॉइंट सामने आए, और फाइनली जो हम अपने घर लेके जाए वो बेस्ट चीज हो। मेरा क्वेश्चन ये है, इंटरव्यू किस लिए हो रहा है, आपको क्या लगता है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? अप्रोच ऑफ अ पर्सन कि कितना पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ के बारे में, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो उसे डर रहा है, कि उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वे फॉरवर्ड दे पा रहा है कि लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर। दूसरा, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, एक बैलेंस पर्सनालिटी होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल, जो बोलना चाह रहा है उसको अच्छे से, एक बैलेंस पर्सनालिटी चाहिए। इसमें मैं एक वर्ड यूज किया, प्रेजेंटेबल, दिखना ठीक चाहिए। और दूसरी चीज इन्होंने जो बोली, कम्युनिकेट कर पाए, जो कहना चाह रहा है वो सच में कह पाए, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, और दूसरे को समझ भी आ रहा है, कुछ तो सोचा होगा जीवन में, कुछ सही गलत है इसमें कुछ नहीं होता। तो हर आदमी कुछ ना कुछ बात बताता है। मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट जस्ट स्मार्ट वर्क से देखा जाता है, स्मार्ट वर्क को डिफाइन करो, नॉलेज बेस उसका ठीक है, उसकी फिर एप्लीकेशन, इंडिविजुअल को एक अप्लाइड नॉलेज हो, और फिर वो एक अच्छा मैनेजर, सॉल्यूशन फाइंडिंग अप्रोच होनी चाहिए, सम सोशिएबल पर्सनालिटी होनी चाहिए, थर्ड वन पॉइंट ऑफ व्यू उसका बैलेंस होना चाहिए। और इसमें एक और बात बोली कि अगर क्रिटिसिज्म हम कुछ कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यस, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, मतलब पर्सन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो सिस्टम के लिए चैलेंजिंग है। एटीट्यूड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड बिलोंगिंगनेस, स्मार्ट, ओपन टू लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज की, अच्छा अभी आईसीटी आ रहा है, अभी कुछ सीखना है, और जैसे जो प्रॉब्लम एरियाज हैं कि वो एजुकेशन, हेल्थ की हमेशा ही रहेंगे, तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए कि व्हाट आई कैन ऐड, और नई डिफरेंट अप्रोच क्या रहेगी मेरी, इसको इन्हीं सोर्सेज में सॉल्व करने की, इनोवेटिव सॉल्यूशन, हां जी, हां जी, बिकॉज़ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, देन पर्सन शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू इंटरैक्ट, पॉजिटिव एनर्जी फील होनी चाहिए, हां जी, कि जब वो सोशल है, किसी से मिल रहा है, वो अच्छा लगना, हम्बलनेस, हम्बल होना चाहिए, और प्रोएक्टिविटी के, अरे कुछ मेरे पास टाइम है तो हॉस्पिटल विजिट कर लेते हैं, क्या का श्योर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब वो डिसीजन मेकिंग करें तो खुद के ऊपर पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, और सोशल पर्सपेक्टिव होना चाहिए सर हर एक चीज़ के लिए, रिस्पेक्टफुल नेचर होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, अनबाइस्ड नेचर होना चाहिए सर, अनबाइस्ड सर, नॉन पॉलिटिकल, पार्टी तो चेंज होती रहेगी। सिचुएशन हैंडल करना आनी चाहिए। सिचुएशन हैंडल करने में किस तरह से कह रहे हो? कोई भी सिचुएशन है उसमें मतलब कोई स्टेप ले लिया है, अगर कुछ डिसीजन ले लिया है तो उस पर मतलब रहना चाहिए। वो एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए। सिचुएशन आ रही है ना, उसमें वो प्रेशर अंडर प्रेशर डिसीजन ले रहा है और फिर जो डिसीजन ले लिया है फिर उसको उसके ऊपर टिका रहे। जो प्रेशर आएगा है ना तो उस टाइम पे वो पलट ना जाए, है ना, कोई करप्शन करनी है ना, तो उस इंटीग्रिटी चाहिए। सर वी शुड बी अवेयर, कंपोज्ड एंड काम। अवेयर होना चाहिए, कंपोज होना चाहिए, काम होना चाहिए, का समझता सुनना होना चाहिए। तो उसका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि जो भी पॉलिसी है या कोई भी काम कर रहा है तो वो उसके दायरे में रह के करे। उसका पर्सपेक्टिव ऐसा हो कि वो काम जो कर रहा है वो बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, ह्यूमैनिटी के ठीक है, वो काम करे। लोग समझना सुखीना हो। सर मुझे लगता है इंटरव्यूज एक खासकर चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट या कोई भी ऑफिसर है उसके पास पॉलिसी मेकिंग के अलावा एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वो रिसोर्सेज कितने optimized or efficient way में distribute, resource distribution optimization। After all the candidates are human beings, सबने कहीं ना कहीं कोई mistakes की होगी। How well they accept their mistakes and what's their way forward, उनकी क्या अप्रोच, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर उनका खास ध्यान रहेगा। वो मिस्टेक्स सब करते हैं, पहले वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे क्या उन्होंने लर्न किया और फिर एक वे फॉरवर्ड। फेलियर सबकी लाइफ में आएगा, बट उन फेलियर से आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा और फ्यूचर में आप क्या कर रहे हो कि वो फेलियर्स दोबारा से ना आए। व्हाट आर योर वीकनेसेस? वीकनेसेस आपने आइडेंटिफाई करी, फिर आपने वीकनेसेस बताई, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन पूछा कि आप वीकनेस के लिए क्या कर रहे हो, यू आर रेडी फॉर चेंज, एक लर्नर फॉर लाइफ है आप, यू आर ओपन टू लर्निंग, यू आर गिविंग इनोवेटिव सॉल्यूशन। देखो बहुत सारे अच्छे और सारे एस्पेक्ट्स सही है, ये अच्छी पर्सनैलिटी में ये सारी चीजें होंगी। तो अगर कोई ये बात कहता है वाई शुड यू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज देखना, क्या कोई सिलेबस है? ऐसा कहा जाता है ना कि इंटरव्यू में एवरीथिंग अंडर द सन, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट क्या कोई सिलेबस है? बाकी तो ऐसा कुछ नहीं पूछते, कोई सिलेबस नहीं है ना कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये वाली बात है। सिलेबस है और इन्होंने खुद अपनी नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया होता है, जो आपको कागज दिया है ये इन्हीं के द्वारा दिया गया सिलेबस है, मैंने अपने घर में बैठ के नहीं बनाया, ठीक है, ये इन्होंने सिलेबस दिया है। तो पहले हम ये भी देखेंगे कि सिलेबस क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब इन्होंने खुद किया है, दो चीजें ना इन्होंने खुद डैफ में लिखा है, वाई शुड यू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। तो इस चीज को समझने के लिए कि ये चाहते क्या है उस पोस्ट वाले इंडिविजुअल से, उसके लिए इन्होंने खुद सिलेबस दिया है। और सिलेबस में क्या कहते हैं, देखो पढ़ते हैं, कमीशन विल हैव बिफोर देम अ रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स कैरियर। ठीक है, आप पूरा डैफ भरेंगे आपने अपनी लाइफ में क्या किया है वो सब इसके अंदर लिखा गया होगा। और दूसरी बात, कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, है ना, जो भी जनरल चीजें हो रही है, प्रीलिम्स भी होता है, लास्ट लाइन होती है ना कि जो भी जनरल बातें एक वेल रेड पर्सन को पता होनी चाहिए, उस पर प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी करंट अफेयर्स आजकल चल रहा है न्यूज में, एक वेल रेड पर्सन से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो रहेगा। एंड देन तो खुद बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरव्यू का। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरव्यू इज टू असेस द पर्सनल सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर सर्विस और सर्विस फॉर विच ही और शी इज अप्लाइड टू द कमीशन। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? पर्सनल सूटेबिलिटी। जब हम बात कर रहे हैं पर्सनल सूटेबिलिटी, देखो एक जॉब है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है। जब आप उस जॉब में जाएंगे आपको कुछ काम करना है, तो पहली चीज ये देखी जाती है क्या वो इंडिविजुअल उन कामों को कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ये जज की जाएगी। ये आपके इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी पर्सनल सूटेबिलिटी देख रहे, खुद बता रहे। फिर क्या कहते हैं? The test is intended to judge the mental caliber of the candidate. कि उसके अंदर उसका mental caliber क्या है, जिसे बात कही थी ना कि उसके अंदर knowledge होनी चाहिए जो वो बैठा है, फिर उसके पास जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इस इंटरव्यू में ये चीज जज होगी। तो आपकी पर्सनल सूटेबिलिटी, इस जॉब के लिए आप ठीक हो कि नहीं हो, और मेंटल कैलिबर, मेंटली ये बंदा साउंड है कि नहीं है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि नहीं। और क्या कहते हैं? Interview personality test is an assessment of candidates इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज जैसे अभी हमने बातें करी थी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज की एम्पैथी, कंपैशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग। तो आपका इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज है कि नहीं? हम पढ़े लिखे हैं इतने टाइम से, जो भी आपने चीजें लर्न करके अपनी लाइफ में, क्या उसको अप्लाई भी कर पाते हो कि नहीं कर पाते? दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, सोशल ट्रेड्स। तो देखो आप लोगों ने बताई थी, द पर्सन शुड बी सोशल, ही शुड बी कॉन्फिडेंट, ही शुड हैव पॉजिटिव एनर्जी। उससे बात करें क्योंकि इतने सारे लोगों से मिलना है, इतने सारे लोगों को डील करना है, तो सोशल होना चाहिए। और ये चीज देखो इंटरव्यू खुद दिया है सिलेबस पे कि द पर्सन शुड बी सोशल एंड इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स। ऊपर भी क्या कह रहे हैं, मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो भाई एक चीज ये भी हम ऐड कर सकते हैं, हिमाचल का इंटरव्यू है तो एचपी की जीके पता होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कुछ नया करना, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस के लिए पढ़ाई करेंगे, वही चीज है एक अप्लाइड फॉर्म। और दूसरा आपके कॉन्टेक्स्ट में, जिसे कहां से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, अच्छा उस डिस्ट्रिक्ट में क्या दिक्कतें हैं आपको, क्या सोल्यूशन है ना? अगर आपको वहां का डीएम बना दिया जाए, क्या चेंजेस लाना चाहोगे? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्या चीज दिखती है आपके, और क्या कस्टम के बारे में पता है, क्या डायलेक्ट्स के बारे में, तभी देखो क्या बोला जाता है। जिस डिस्ट्रिक्ट के हो भाई वहां के ये देख लेना, डांसेस देख लेना, वहां का कल्चर क्या है, वहां के फेयर्स क्या है, क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों देखो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अवेयर हो अपने एरिया के बारे में जहाँ से आप बिलोंग करते हो, क्या आप हिमाचल के बारे में अवेयर हो। और ये चीजें क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने हिमाचल में सर्व करना है। At the end of the day, you have to go between the people. You have to serve among the people. उनको सर्व करना है, तो जिसको आपने सर्व करना होता है उसके बारे में पता तो होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए उनके बारे में। ठीक है, तो ये आपके पर्सनालिटी टेस्ट में देखा जा रहा है। और आपके अंदर कुछ क्वालिटीज, खुद बोला है सम क्वालिटीज टू बी जज्ड आर, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज देखी जाएगी। क्या, मेंटल अलर्टनेस, आप अलर्ट हो कि नहीं, कैसे पता लगता है अलर्टनेस का? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है ना, जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया, जो आप घर से याद करके आए थे उसका जवाब दे दिया, क्या दिख रहा है, आप अलर्ट नहीं हो। ठीक है ना, आपने उस चीज ऑब्जर्वेंट नहीं थे उस टाइम पर, अलर्ट नहीं थे उस टाइम पर। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा अचानक से ना, वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंडिविजुअल, साफ दिखता है जब आप आ रहे हो ना, किस तरीके से चलते हो, किस तरीके से बैठे हो, एवरीथिंग शोज योर अलर्टनेस। और फिर जो बोल रहे हो एक क्लैरिटी है कि नहीं अपने, है ना, जो एक्सपेक्ट किया था वही बोला कि नहीं बोला, विद एक्सप्रेशन, है ना। एक होता है ना जब हम बात करते हैं हम्बल होना चाहिए, हम्बल दिखना भी चाहिए, तो वो वाली बात है। तो आपका मेंटल अलर्टनेस देखी जाएगी। देन क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, इससे पहले हमने अभी क्या बातें करी, ह्यूमन राइट्स है ना, टॉपिक देखा था ना ह्यूमन राइट्स का, उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि ह्यूमन राइट्स किस तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरह यूज की जा रही है और उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से की जा रही है जिसकी वजह से आप ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हो, है ना, ये वाली बात हमने देखी। अब क्या है इस चीज के अंदर, एक हमारे क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, अब पचाना, देखो दो तीन प्रोसेस ही होती है ना, पहले कंजम्पशन, कुछ खाया कैसे आपने लिया उसको, फिर उसको एसिमुलेट किया, पचाया, है ना, बाकी जो वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया। तो जो एसिमुलेट आपने उसको, और फिर जब जैसे ना बाहर कुछ भी चीज प्रेजेंट कर रही हो, आपकी एसिमुलेशन पे डिपेंड करती है ना, आपने चीजों को कैसे समझा, ये आपकी क्रिटिकल पावर है। क्रिटिकल, आप कैसे क्रिटिकल इसको एनालाइज करते हो, वो बात है। और ये आपकी बातों में दिखेगी, कोई प्रॉब्लम हो रही है सीधा सीधा मुझे भाई ये 370 का क्या दिक्कत है, ये या कश्मीर की जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है क्यों हो रही है, और आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन। तो सिर्फ ऐसा नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, आर्टिकल 370 का इशू क्या था, वो फाइनली किस तरीके से पास हुआ, ये चीज भी देखी जा रही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये भाई प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये तो हुआ लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्यों हो रही है और क्या किया जाए कि एक सोल्यूशन आए, तो आपकी एसिमुलेशन। फिर केयर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, इंडिविजुअल जो भी एक्सप्रेजेंट कर रहा है, इज इट लॉजिकल और नॉट, यहाँ पर बात की जाती है। जैसे हम कहते हैं ना अनबायस्ड, आपने ही बताया है ना, इंडिविजुअल शुड बी अनबायस्ड। हम क्या बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, दोनों यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, वो एक रैशनल रीजन पर है, एक प्रॉपर रीजनिंग है उसके पीछे। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा कहा जाता है, सही रीजन से आप किसी को अगर मार भी रहे हो तो ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। गलत रीजन से आप किसी का फायदा भी कर रहे हो, गलत है। अगर एक इंडिविजुअल है, हमने उसको पैसे दिए क्योंकि वो भीख मांग रहा था, और बाद में जाके तो भाई किसी को दान देना बहुत बड़े पुण्य का काम है, और जाके उसने उससे नशे का सामान खरीदा, तो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन होता है ना कि डॉक्टर भी काटता है, लेकिन वो फायदे के लिए काट रहा है, सर्जरी कर रहा है, वो तो कट ही कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात है। और जो आपका डिसीजन है ना, जब हम कोई बात करते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग है या इमोटिव एस्पेक्ट है, इमोशनली आदमी बात कर रहे हो, तो हम बात करते हैं अनबायस्ड होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल दिखना चाहिए, इंटीग्रिटी प्रेशर में आके ना पलट जाए, वो इंडिविजुअल लॉजिकल है कि नहीं, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बैलेंस ऑफ जजमेंट होना चाहिए इंडिविजुअल का, और आपने ये बताया था है ना, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लॉपसाइडेड नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग होते ना, हम मिलते हैं एकदम बस सब गलत है ना, एक ही चीज ठीक है। अब जैसे काउबॉय विजिलेंटी होते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं, मारना भी ठीक है अगर गाय बचानी पड़े तो, इस तरह से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। या कुछ लोग होते हैं रिलीजन के नाम पर टेररिज्म कर रहे हैं, और उनकी भी एक अपनी आइडियोलॉजी है, बट वो बैलेंस्ड नहीं है ना, वो रेडिकलाइज्ड है। तो हम यही चीज कह रहे हैं, द इंडिविजुअल शुड नॉट बी रेडिकलाइज्ड, दिखना नहीं ना, ये उसके अंदर नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी चाहिए। तो बैलेंस ऑफ जजमेंट, कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर आप कर रहे हो, ये चीज दिखनी चाहिए कि आपको दोनों चीजें पता है, फिर आप डिसीजन ले रहे हो। तो वैसे एक ही बात पता थी, एक ही साइड पता थी, उसी के बेसिस पर आपने डिसीजन ले लिया, और आप अड़े हुए हो, नहीं ये ठीक है, यू आर नॉट रेडी टू लर्न, है ना, वो लर्नर फॉर लाइफ नहीं दिख रहा है। और उस सिचुएशन में जैसे ना, तो जजमेंट कैसे लो, जजमेंट भी कैसी चीज, इनोवेटिव है ना, सो लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास, उसमें आपको जजमेंट करनी होगी, बैलेंस जजमेंट, ठीक है। तो ये चीज देखनी चाहिए। और बैलेंस में क्या होता है, कोई आपसे कुछ पूछा, अभी ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट आएंगे, कुछ और उसके नेगेटिव पॉइंट आएंगे। और एक चीज समझना, द डिसीजन इज नॉट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इन लाइफ, द डिसीजन इज ऑलवेज बिटवीन लेसर एंड ग्रेटर एवल, ठीक है। एक बच्चा अगर अभी यहाँ क्लास में बैठा है, ठीक है, और वो अपने घर में भी उसकी जरूरत थी, ठीक है, प्रॉब्लम थी है ना, मान लो कोई घर में बीमार है, तो वहां पर भी उसको प्रॉब्लम्स थी, और एक रिक्वायरमेंट थी कि वो वहां रहता है कि नहीं है। बट वो बच्चा यहाँ पर आया, तो उसने डिसीजन लिया, अब है कि लेसर एवल ग्रेटर एवल, अगर वो घर पे रहता तो फिर उसकी जो नॉलेज है, जो ग्रोथ है, वो कम होनी थी, और एक कम पॉसिबिलिटी होनी थी सिलेक्शन की, अभी ज्यादा सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये वाली बात, तो लेसर एवल ग्रेटर एवल रहा, बट जजमेंट बैलेंस होनी चाहिए। घर में जो काम था उसके लिए आपने मैनेज करना है, ठीक है, यू हैव टू बी गुड मैनेजर, कोई और ऐसा हो जो उसका ध्यान रख पाए उस सिचुएशन में, और आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है, यू शुड बी डिटरमाइंड इनफ। तो वो वाली बात है कि हाँ, जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एक बंदा मर रहा है, आपने इंटरव्यू के लिए आना है, अब क्या करोगे, मरते हुए आदमी को छोड़ दोगे? देखो इंटरव्यू इज ऑल्सो, दोनों चीजें, इंटरव्यू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेविंग समवन्स लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें। तो जो इमोशनल बंदा हो वो क्या करेगा, भाई मैं तो बचाऊंगा और मैं चल पड़ूंगा, इंटरव्यू रहने दो। देखो इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेव करना भी इंपॉर्टेंट है। आपके अभी दो गोल्स हैं जो आपने अचीव करना, क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं, एक बार तो सोचो, ठीक है ना, वो है ना आपकी बैलेंस ऑफ जजमेंट। एक बार तो सोचो भाई कि है ना, क्या इस इंडिविजुअल को बचाया भी जा सकता है, और मैं इंटरव्यू भी दे सकता हूँ, क्या दो में से ऐसी चीज हो सकती है, अगर हो सकती है तो करो, है ना। एम्बुलेंस बुलाई, उसको एम्बुलेंस में बिठाया, उसके बाद इंटरव्यू देने जाओ, फिर तो मैनेज हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो वही बात है, बैलेंस ऑफ जजमेंट में आप और एस्पेक्ट्स भी देखो, और फिर सारी चीजों को अंडर द सर्कमस्टांस। एक और चीज भी देखना, देखो अभी सारी कभी भी 100% नॉलेज आपके पास नहीं होगी, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांस मेरे पास जितनी नॉलेज है उसको यूज करके मैं डिसीजन ले रहा हूँ, एंड आई एम रेडी कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी चीज पता लगती है, जिससे हम कह रहे हैं अपने डिसीजन पे टिके रहना चाहिए, बट अगर फ्यूचर में कोई ऐसी बात पता लग रही है जिसकी वजह से उस डिसीजन में मॉडिफिकेशन चाहिए, सो वी आर रेडी टू लर्न, कोई इशू नहीं है, वी आर रेडी टू लर्न, वो वाली बात। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट में दिखती है। फिर क्या कह रहे हैं, वेराइटी ऑफ डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें वेराइटी होनी चाहिए और उसमें डेप्थ भी होनी चाहिए, तभी क्या पूछा जाता है। जैसे आपके डैफ में क्वेश्चन होता है नोटेबल, देखो दो वर्ड्स होते हैं, अचीवमेंट एंड फेलियर मेड इन स्टडीज। ठीक है, आपके स्टडीज में नोटेबल अचीवमेंट्स क्या है और फेलियर क्या है वो बताओ, और दूसरा नोटेबल अचीवमेंट्स मेड इन स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और एक क्वेश्चन होता है प्लेसेस विजिटेड। इस सबसे देखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपका ये वैरायटी ना एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर ट्रैवल करते हो तो दिख जाएगा भाई ट्रैवलर है ना, और आपकी हॉबीज, हॉबी से दिख जाता है कि आपके इंटरेस्ट कौन कौन से हैं। फिर दूसरी बात, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हॉबीज में भी ऐसा था हम कि यार हॉबीज में ऐसा क्वेश्चन पूछ, आप क्या करते हो, भाई मैं गाना गाता हूँ, मेरे को शौक है गाना गाने का, और क्या पूछेंगे, भाई बताओ फिर है क्लासिकल म्यूजिक और है ना ये फोक म्यूजिक, क्या डिफरेंस हो रहा है दोनों में। तो क्या चाह रहे हैं, डेप्थ भी चाहिए। सर मैंने हॉबीज में बड़ा शॉर्ट किया था, जॉगिंग एंड ट्रैकिंग, जॉगिंग से क्या यूज किया। देखो तो हम डेप्थ के एक-एक क्वेश्चन पे मैं सारे इंडिविजुअली भी लूंगा, ठीक है, ये भी है जो अलग से क्लास होगी, पर जैसे तुमने अभी क्वेश्चन पूछा है तो एक चीज है जो एक जनरल बात में बताना चाहूंगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इस चीज को समझो। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में हम जो भी लिख रहे हैं वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम अपने हिसाब से इंटरव्यू चला सकते हैं, समझ रहे हो। अगर हमने कुछ लिखा, बट हाँ देखो जो लिखा है फिर वो ढंग से पता होना चाहिए। अगर ऐसी कोई रैंडम बात लिख दी और उस पर उन्होंने डेप्थ पे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अब समझ लो एक तो आपने खुद किसी चीज का पर उनका ध्यान लाया है, और उसको ध्यान लाने के बाद अगर उसपे वो क्वेश्चन पूछते हैं और आप आंसर नहीं करते हो, देन दे विल बी डिसअपॉइंटेड। बट इसको उस तरीके से देखो ना, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। क्या हॉबी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम अपने हिसाब से क्वेश्चन चला सकते हैं, और जैसे ही चलेगा हम 5 मिनट इंटरव्यू के अपने हिसाब से चला सकते हैं, 10 मिनट भी चल सकते हैं, और हो सकता है तुम अगर इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ तुम अपने हिसाब से इंटरव्यू चलाओ, और उसके लिए तभी तो डैफ में आप तैयारी करके जाओ, अपने हिसाब से भरो डैफ को, जिस हिसाब वो आपके हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे अगर बिल्कुल इंटरेस्ट वाली चीज है। और अब की कैसे लिखूं, बहुत बड़ी चीज लिखोगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसी चीज डाल सकते हो जिसमें थोड़े लोकलाइज्ड क्वेश्चन है जिनको तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक है, समझ लो एक अपॉर्चुनिटी है ये, इसको अवेल करो, डॉज मत करो। जैसे डॉज पिट्ठू वाली बात करते हैं ना, ये दूसरे में बस बचना है, नहीं ये मत करो कि बस उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने बचना है, नहीं, ठीक है, उस क्वेश्चन को यूज करो कि वो तुम्हारे आप को समझ पाए, तुम्हारी पर्सनालिटी के ट्रेड्स दिखे, है ना। शुरू करा तुमने ट्रैकिंग, ट्रैकिंग में लीडरशिप स्किल्स दिखा दो, ट्रैकिंग में अंडरस्टैंडिंग दिखा दो, ट्रैकिंग में तुम्हारी नॉलेज के डेप्थ दिखाओ कि ऐसे ऐसे पहाड़ कैसे कैसे हिमालय हमारे हिमाचल प्रदेश में, कहाँ से हिमालय जा रहा है, पीर पंजाब जा रहा, धौराधार जा रहा, मैं जब इस यहाँ भुगती पास से जा रहा था, भुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पास से होते हुए लाहौल स्पीति उतर जाओ चंबा से, है ना, तो बरमौला से शुरू करो और लाहौल स्पीति बता दो, तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग, और उसी में तुम कल्चरल अंडरस्टैंडिंग दिखा दो, तुम्हारी क्या क्या नहीं कर सकते तुम, उससे तुम्हारे पर्सनालिटी की डेप्थ दिखेगी, और उनको रहेगा कि यार इस इंडिविजुअल को पता है चीजें, और उसमें जो पढ़ा है सब इंटीग्रेट किया जा सकता है जो आज तक पढ़ा। अगर तुमने टेम्पल हेरिटेज पढ़ा है तो वैसा ही यहाँ के टेम्पल्स में है, तो जब इस टेम्पल की बात कर रहे हो तो भाई वहाँ वाला टेम्पल ऐसा नहीं, हडिम्बा टेम्पल गया था, है ना, तो सर वो पगोडा स्टाइल है, तो जैसे पिरामिड में ऐसा होता है, हारकोटी में तो ऐसा था पिरामिड स्टाइल, बट वहां पर ऐसा होता है ना, तुम्हारा पास अपॉर्चुनिटी, यूज इट, ठीक है। और क्या कहते हैं, वैरायटी ऑफ डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, तो दिख रहा है जब आप बात करोगे तो डेप्थ दिखेगी आपकी पर्सनालिटी, और एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप, ठीक है, जो हम ये बात कह ही रहे हैं कि सोशल इंडिविजुअल होना चाहिए, और हमने कहा था जैसे एक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से वो इंडिविजुअल चीजों को अप्रोच करता है, वही दिखेगा ना आपको एक सोशल कोहेजन, कैसे लोगों से मिला, किस तरीके से अप्रोच किया, उसकी अप्रोच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सोल्यूशन फाइंडिंग है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। देखो आप लोगों ने ये बातें बताई, ऐसा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, और खुद इन्होंने ये बातें बताई है, अपने सिलेबस में दिया हुआ है सिलेबस कि आपका सोशल कोहेजन आपके साथ है कि लोगों से आप इंटरेक्ट, क्योंकि जो ये जॉब्स है आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, आपको उनका सोल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आप सोल्यूशन दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, सोल्यूशन फाइंडिंग है कि नहीं, वे फॉरवर्ड दे रहा है कि नहीं, और इस सारी प्रोसेस में लर्न कर रहा है कि नहीं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में सब कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चीजें रहेंगी। और फिर इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी, पहले इंटेलेक्चुअल है कि नहीं, मॉरल है कि नहीं, दोनों चीजें। और फिर इंटीग्रिटी कि जब प्रॉब्लम आएगी, जब प्रेशर आएगा, उस समय पर इंडिविजुअल इंटीग्रिटी में रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये दोनों चीजें रहती है। पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है, ठीक है, पैसे का करप्शन वाला प्रेशर आ सकता है, पावर, ज्यादा पावर मिल जाएगी भाई ये वाला काम कर दो, तो वो चीज देखी जाएगी इंटीग्रिटी है कि नहीं, क्योंकि आपने जगह ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, एक बिलोंगिंगनेस अपनी कंट्री के लिए है कि नहीं, तो उसकी इंटेलेक्चुअल और मॉरल इंटीग्रिटी से चीजें दिखती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स सर। एक वर्ड हम्बल, हम्बल इंटरव्यू में भी बहुत ही हम्बल रहना चाहिए, और आफ्टर द ये जॉब ये मतलब जो हम्बल है ना सर, वो हर टाइम हम्बल नहीं रह सकता है। हम फिर ये पूछ सकते हैं कि हम्बलनेस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, हम्बलनेस की डेफिनेशन क्या है, कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि एक चीज समझना है, ही शुड बी कॉन्फिडेंट, और ये चीजें एक साथ होती है कि नहीं होती है, ये भी समझने की जरूरत है। हम्बल का मतलब क्या होता है, कैसे समझता हूँ कि जो कुछ नहीं बोलता, डरा रहता है, चुप रहता है, गुमसुम रहता है, जो हम्बल जाके बैठे हैं, हाँ से हाँ ही कर रहा है, जैसे इंटरव्यू में कई बच्चे तो हाँ से हाँ ही कर देते हैं, ये विनम्रता हुई ना, रिस्पेक्टफुल बात, रिस्पेक्टफुल बात, हम्बलनेस के मैं बस एक चौड़ में नहीं, हम्बल उससे साथ साथ में बोल सकती हूँ सॉरी सर मेरा ओपिनियन अलग है, तो वो हम्बलनेस के साथ मैंने डिफरेंस भी अपना ओपिनियन शो कर दिया, मतलब आर्ग्यूमेंट सलीका। मैं उसको कमजोर हो नहीं, कमजोर नहीं, हम देखो हम्बल तभी देखो गांधी जी ने क्या बात कही थी, गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंस करनी चाहिए, ठीक है, नॉन वायलेंस इज अ हायर वर्च्यू, लेकिन डरपोक होना है ना, अगर कोई इंडिविजुअल डरपोक है, कावर्डिस है, उससे बेटर वायलेंस है, ठीक है, जो नॉन वायलेंस वाला इंडिविजुअल है, जो नॉन वायलेंस करता है, जो सत्याग्रही है, सत्याग्रही है ना, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, वो डरता नहीं है। जैसे तुमने देखा सत्याग्रही की क्या क्या ट्रेड्स हैं, तो उसमें पहली चीज ये थी है ना, ही इज नॉट फेयरफुल, फियरलेस है वो, ये वाले हम्बल इंडिविजुअल फियरलेस होता है। और उसको देखो हम्बल ऐसा होगा जिसमें मैं बैठा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जो भी बोलोगे मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है तब आप हम्बल करते हो, क्यों, क्योंकि अगला कुछ भी पूछेगा है ना, मैं मैनेज कर लूंगा, इतना फॉर्मेट रॉन्ग वे में ले, हाँ ये चीज रहेगी, ठीक है। और हम्बल रहना जरूरी है, एक रिस्पेक्टफुल रहना जरूरी है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे हम बच्चों से कैसे बात करते हैं, ठीक है ना, इस चीज को भी देखो, अगर हम छोटे बच्चे से बात करते हैं, हम बहुत प्यार से बात करते हैं, अगर आप बच्चे से आप करके बात करोगे, बच्चा बहुत अच्छा रिएक्ट करता है आपके लिए, ये चीज देखना देखना, ये ना बहुत अच्छे से आपसे बात करें, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, ये आपकी हम्बलनेस है। बट हाँ उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी दिखनी चाहिए कि अगर आपने कुछ बोला और वो रीजनेबली ठीक है, तो फिर आप यू स्टैंड बाय योर डिसीजन, और वो होता है, वो बच्चे को दिखना चाहिए। पर हाँ उसको रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों है, सिर्फ इसलिए थोड़ी कि देखो मैं बड़ा हूं इसलिए करना पड़ेगा, नहीं तो मार पड़ेगी, वो वाली बात। ये एक रीजन देगा आप बच्चे को, देखो ऐसा ऐसा करना और ये ठीक है, फिर बच्चे को भी पता होता है कि देखो अगर ये ठीक बात है, होता है ना, ये पापा ने ऐसा बोला है और ये ऐसा बोलते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे दिमाग में रहता है ना कुछ लोगों के लिए पर्सनालिटी कि इन्होंने बोला जो बोलते करते भी है अगर ठीक है तो, और लेकिन दे आर रेडी टू लिसन, अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट दूंगा दे आर वेरी रेडी टू लिसन ऑन दैट, ये वाली चीज हम बदलने आती है। और इसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, अगर तुम ना भी करते हो, ना में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस चीज को समझना। ऐसा नहीं होता जब आंसर दिया उस टाइम बस जोर से आंसर दिया, और जब नहीं आता है, देखो इस दुनिया में मान मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीजें आती है, पर मेरे को कई चीजें नहीं भी आती है, सो आई शुड बी रेडी फॉर दैट। कई बार कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछता है मेरे को नहीं पता होता, तो क्या बोलना होता है, सॉरी नहीं पता कल बताऊंगा, सिंपल, फंस करके क्या होगा। और ऐसा सच है, देखो बहुत सी चीजें हमको आती है, बहुत सी चीजें हमको नहीं भी आती है, हमको दोनों चीज, अब हमको ये नहीं दिखाना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। अगर मैं ऐसे करने लगूँ मेरे को सब कुछ आता है तो फिर वो आपको फंसाएंगे। जो सॉरी का बैन की सर्विस पहले भी शायद आपसे डिस्कस किया था, इसमें मेरे इतना किसी की बात दो बोलते कि सॉरी नहीं वो करना नहीं चाहिए। आप जब सॉरी बोल रहे हो ना, सॉरी ऐसे सॉरी नहीं होनी चाहिए, समझे लो। एक बोलते सॉरी, एक बोलते सॉरी सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर मुझे नहीं पता, और फिर आराम से कॉन्फिडेंस से बैठो। दूसरे कुछ एक चीज समझो है ना, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू में एक मिनिमम टाइम है, उतनी वो तुमसे बात करेंगे ही करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा अगर तुम सॉरी, अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछा, पहले 10 क्वेश्चन में तुम सॉरी बोलते हो और 3 मिनट निकल जाते हैं या 5 मिनट निकल जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट के बाद तुम्हें बोलेंगे स्टैंड अप एंड गेट आउट, नहीं। तुम एक चीज समझो क्या है वो, कुछ ये क्या है ये जो पूरी प्रोसेस है इसको समझो ना। हम क्या बोल रहे हैं, इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, है ना। आपकी नॉलेज, नॉलेज इज पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, और उस पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए वो उनको कोई मीडियम चाहिए। ऐसे कैसे पर्सनालिटी टेस्ट करूँ आपकी, ये चीज भी समझिए ना। अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपकी पर्सनैलिटी कैसे जज करूँ, कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए, आपसे बात करनी पड़ेगी। अब बात कैसे करूँ, हाँ जी क्या नाम है आपका, है ना, फिर नाम का मतलब पूछना लग जाऊंगा, ठीक है। तो बात हुई थोड़ी, है ना, आपकी हॉबीज पूछी और हॉबीज पे बात करी। इन दी प्रोसेस आई एम ट्राइंग टू सी हाउ दिस पर्सन रिएक्ट्स, व्हाट इज हिज पर्सनैलिटी, ये इंसान कैसा है, ये समझने की बात होती है, ठीक है। तो सिर्फ वो ये नहीं देख रहे कि आप कैसे आंसर करते हो, क्या आंसर करते हो, ये भी देखते कैसे आंसर करते हैं, और उससे वो आपके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतनी सी बात, सिर्फ ये नहीं देख रहे कि आपकी नॉलेज कितनी है, रटावा कितना है, ये देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल जब कुछ याद करता है उसको समझता कैसे और उसको अप्लाई कैसे करता है, जिससे ये समझ आता है इसकी थॉट प्रोसेस कैसी है। एक चीज समझिएगा जो तो ना, ऐसा कहा जाता है the words that you choose in your life shows the depth of your personality, जो शब्द आप यूज करते हैं उससे ये दिखता है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी गहरी है, ठीक है। तो जो ये वाली बात है ये सच है, आपकी जो वर्ड सिलेक्शन है, जो आप कीवर्ड्स यूज करते हो। अगर कोई इंडिविजुअल बोल रहा है मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, है ना, इंडिया इज डूइंग मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी एंड इन दैट, जैसे ही उसने वर्ड यूज किया इसका मतलब भाई उसको मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी पता है, डायरेक्टली अगले को पता लग जाएगा। वी शुड मूव टुवर्ड्स लो हैंगिंग फ्रूट्स, है ना। मैं ये नहीं कह रहा जार्गन हर जगह यूज करो, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ जो कीवर्ड्स होते हैं किसी भी चीज के, कोई भी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कीवर्ड्स का कोई इकट्ठा किया होगा, बस यही है ना। इट्स द कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, सिंपल। साइंस में कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, हिस्ट्री में कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, ज्योग्राफी में कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, और कुछ इंग्लिश के वर्ड्स अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन, ज्योग्राफी में कैसे लेयर्स बनी है, सोशियोलॉजी में उसी स्ट्रैटिफिकेशन को हम सोसाइटी किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पर वही आपके जो वर्ड्स क्या आप यूज करते हो, इसीलिए ना जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है इस पर ध्यान रखना। मेरी क्या सजेशन है आप लोगों के, जैसे इंटरव्यू के लिए स्टार्टिंग अपनी लाइफ का एक चार्ट बनाओ या एक एवोल्यूशन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ का एक कैलेंडर टाइप बनाओ, आपकी लाइफ में जो भी मेजर मेजर इवेंट्स हुए हैं उनको कब कब हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, उनको ईयर वाइज लगा दो, ठीक है। बचपन से लेकर आज तक जितने साल के हो, ठीक है। और उस साल में अगर कोई आपको मेजर इवेंट लगता है जो आपके साथ हुआ, या ऐसा भी रहता है कि कोई मेजर इवेंट उस टाइम पे हो रहा हो, उसको भी आप पैरेलली लगा सकते हो आपकी मर्जी में। लेकिन इनिशियली मैं क्या चाहता हूँ, आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ उसको चार्ट बनाओ, है ना, और उसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है उसको फिर आप साथ साथ में सोचो कि अपने बारे में हमको सोचना है। मैंने कब स्कूल गया, पैदा हुआ, बचपन में मैं कहाँ रहा, कौन से स्कूल गया, फिर कौन से कॉलेज गया, किस साल में गया, कब कॉलेज खत्म हुआ, फिर आगे मैंने क्या किया, कितने साल तैयारी करी, कहाँ कहाँ कोचिंग ली अगर पढ़े हो, या घर में पढ़ा कहाँ पढ़ा, ठीक है, लाइब्रेरी जाता था कि नहीं जाता था। छोटी छोटी चीजें लिखो, कहाँ रहा, कौन सी स्टेट में रहा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहा, मैं किस जगह पे रहा, ये सारी चीजें लिखो अपने लिए। देखो कई बार ना बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे वहां पर कि आपने डिग्री कब पास आउट की, और लोग फंस जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, कब पास आउट हुए थे, कौन से महीने में पास आउट हुए थे, पूछने वाला से पूछ लेता है, बट आपको आपने सोचा कि इतने सालों से, तो आपको वही हो जाएगा, आप स्टम्प फंबल कर जाओगे। और देखो यार आपको ये नहीं पता कब पास आउट हुए थे। अब मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखो, यार इसको ये नहीं पता कब पास आउट हुआ। इसने इंजीनियरिंग करी, क्या इंजीनियरिंग करी इसने, इसको ये नहीं पता कब पास आउट हुई है ना, कब ट्रेनिंग करी, कितने महीने की ट्रेनिंग थी, है ना। ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा कब रहे, जैसे आपने बोला कि मैं यहाँ रहता था, फिर मैंने एक बार मैं किन्नौर में रहता था, अब मैं शिफ्ट करके शिमला आ गया, कब शिफ्ट की, कौन से साल में किए। क्वेश्चन पूछने वाला ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको वो एग्जैक्ट चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपने लाइफ का एक एनालिसिस, एक चार्ट बना दो, और फिर उसके बाद उसमें एक एनालिसिस वो हम खुद करेंगे कि उस जैसे लाइफ में कोई मेजर इवेंट हुआ ना, जैसे AAA दिया है ना, AAA में हुआ या AAA में नहीं हुआ, वो जो फेलियर है ना, जैसे कहते हैं अचीवमेंट्स एंड फेलियर मेड इन स्टडीज, अचीवमेंट एंड फेलियर मेड इन स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कॉलेज में आपने किसी में छोटी चीज में पार्टिसिपेट किया। देखो मैं क्या कहता हूँ इंटरव्यू में, जैसे कि ना आप सच बोलो, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब आप वो सच बोलते हो उसमें कन्विक्शन होती है, तो इसके लिए पता तो होना चाहिए ना अपनी लाइफ के बारे में। तभी जब आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हो उसमें अपनी लाइफ का एग्जाम्पल जोड़ दो, ठीक है, कि उस टाइम पे मैंने ऐसा किया था, तो याद तो होना चाहिए। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को रिवाइज करो, है ना। कोई अच्छी मूवी देखी थी, है ना, मैंने उस टाइम पे मैंने मूवी देखी थी बड़ी अच्छी थी, उसको रिवाइज कर लो। क्योंकि कई बार अगर आपने बोला अच्छा आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, फिर आप बताओ कौन सी मूवी अच्छी लगती है, ठीक है, फिर उनको अच्छा उसके मेन कैरेक्टर्स कौन है ना, और यार कैरेक्टर के नाम, मतलब हीरो नहीं पूछ रहा हूँ, कैरेक्टर के नाम पूछ रहा हूँ, उस मूवी में क्या है, फिर क्या मूवी देखी तुमने, क्या फेवरेट मूवी है ना, तुमसे मतलब बुक पूछी कौन सी बुक तुम्हें अच्छी लगती है, तुमने बोला गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, बोला अच्छा उसके मेन कैरेक्टर कौन है। और फिर तुम ये बोलो कि यार ये भी कोई क्वेश्चन होता है, क्यों, क्योंकि हम एक स्टूडेंट की तरह देखो, एक एग्जामिनर की तरह देखो। अगर मैं एक एग्जामिनर हूं जिसने क्वेश्चन पूछना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी, जैसे आपसे परसेंट एक नॉर्मल बच्चे से अगर मैंने उसका प्रोग्रेशन पूछना है, मैं क्या पूछूंगा, अच्छा क्या किया तुमने, साइंस पढ़ा है ना, 10th के बाद क्या किया, साइंस पढ़ा, कॉलेज कैसे गए, कितने परसेंटेज है ना, उसी से हम थोड़ा जज करने की कोशिश करेंगे। भले ही ये बात सच है कि परसेंटेज से आप इंडिविजुअल को जज नहीं कर सकते, पर फिर भी जज तो किया जाता है, है ना। नंबर अच्छे आ रहे पढ़ने में ठीक होगा, मैं मेहनत करता हूँ, कुछ बेसिक बातें समझ आती है। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अपनी लाइफ का प्रोग्रेशन, ठीक है, ये इसको लिखो और टाइम दो इस पर, और फिर एक बार बना दिया, फिर उसमें मेरे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आया, या मैं इसके बारे में क्या सोचे, मैं स्कूल में कैसा था, मैं कॉलेज में कैसा था, क्योंकि हम अपने लिए टाइम नहीं देते ना, हम उसके बारे में सोचते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 3 चीजें जो आज हम बात करेंगे ना, और जिसमें हम सबकी हेल्प चाहते हैं। एक क्वेश्चन है ये जो हम कह रहे हैं, व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, जनरली पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो जब भी आप जाओगे अंदर इंटरव्यू में, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, अपने बारे में कुछ बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, सिंपल सी चीज है। हाँ भाई अपने बारे में कुछ बताओ, वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो एक ये क्वेश्चन हमेशा रहता है तो किसी ना किसी फॉर्म में, और नहीं तो भी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, Tell us something about yourself, ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा, आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि तुम सिविल सर्वेंट के बारे में तुमने सोचा, सिविल सर्विस के बारे में, why do you want to be a civil servant? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और वो जानना चाहते हैं, ठीक है। तो 3 एस्पेक्ट्स पे हम बात करें, ये कि हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, और एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इन पे बात करेंगे, और इससे पहले मैं सब लोगों से चाहूंगा एक बार आप आए और आप बताएं इन सब चीजों के आंसर, फिर हम उसमें एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ना इट विल बी अ प्रोसेस जिसमें आएंगे, बात करेंगे और फिर हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। अब मेरा बोलना खत्म, सुनना शुरू। क्या आप IAS या HAS हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर की फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आपका भी नाम हो? अगर हाँ, तो रमन एकेडमी का टारगेट IAS और HAS 2020 GS प्रीलिम कम मेन फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है।